नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका में वॉशिंगटन के शॉपिंग मॉल में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत, कई घायल। हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। कश्मीर के बाद अब बलूचिस्तान पर भी फंसा पाकिस्तान। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा बलूचिस्तान में अत्याचार बंद करो, नहीं तो आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगेगा। संयुक्त अभ्यास के लिए रूसी सैनिक पहुंचे पाकिस्तान, आज से शुरू होगा पाक रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा युद्ध अभ्यास से भारत को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस रिपोर्ट का खुलासा, प्रवासियों के दम से आगे बढ़ रहा है अमेरिका। आर्थिक वृद्धि और उद्योगों के विकास में प्रवासियों का अहम योगदान। हिलेरी क्लिंटन के समर्थन में उतरे 75 अमेरिकी पूर्व राजदूत और राजनयिक, ट्रंप को अमेरिका के शीर्ष पद के लिए अयोग्य करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है हिलेरी। कनाडा में सिखों को पहनना होगा हेलमेट, 3 सिख ट्रक ड्राइवरों ने कोर्ट में दायर की थी याचिका। सिख होने के नाते हेलमेट की बजाय पगड़ी पहनने का मांगा था अधिकार। चीन के फुजियान और गुआंगडोंग प्रांतों में तूफान मैगी जल्द दे सकता है दस्तक, मौसम विभाग ने दी जानकारी। उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारी बारिश की जताई आशंका। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।